अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिज़ा किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी दम बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पे ये बिरयानी मैं तैयार कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत कम मसालों के साथ ये तैयार होती है, आप लोग मेरा साथ दीजिए आखिर तक। और जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे तैयार किया है, आप लोग भी इसे फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। 1.5 किलो बकरे का गोश्त, 1.25 किलो बासमती राइस, उसे 30 मिनट पहले भिगा देना है, 250 ग्राम दही, 4 नींबू का रस, 1 कप तेल, 2.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच शाहजीरा, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला, 10 से 12 हरी मिर्च कुटी हुई, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच कच्चा पपैया का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप गरम दूध में 1 चुटकी ज़ाफ़रान को मैंने भिगा के रख दी हूँ, 1/2 पुदीना के पत्ते और कुछ हरा धनिया, 2 तेज़पत्ता, 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 स्टार फूल, जावित्री, 2 दालचीनी के पीस और लौंग कुछ, 5 प्याज को मैंने बारीक काट कर उसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 3 बड़े चम्मच देसी घी चाहिए, केवड़ा एसेंस और रोज़ एसेंस के कुछ ड्रॉप्स चाहिए, 1 चम्मच येलो फूड कलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह धोकर हम एक बर्तन में ले लेंगे और इसमें कच्चे पपैया का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह हर गोश्त पर हो जाए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप ब्राउन प्याज, उसे हाथों से मसल के हम डालेंगे, गरम मसाला 1 चम्मच और शाहजीरा डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बिरयानी गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्च कुटी हुई, 1 नींबू का रस, 1/2 डालूँगी, 1/2 रख देंगे। अब इसमें दही को अच्छी तरह से फेंट कर हम डाल देंगे और यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं वो सब इसमें डाल देंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ते, सिर्फ जावित्री और छोटी इलायची को मैं थोड़ा सा कूट के डालूँगी ताकि इसका अच्छी तरह से खुशबू आ सके। अब इसे हम मिला देंगे और ये जायफल है इसका थोड़ा सा हमें पीस चाहिए, इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी थोड़ा सा। अब हरा धनिया और पुदीना इसमें मिला देंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, तेल डालेंगे,
और अच्छी तरह से 5 से 8 मिनट तक हम अच्छी तरह से हाथों से इसे मसल मसल के मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें मैरिनेट करना है कम से कम 6 घंटे के लिए, या आप रात भर भी रख सकते हो। इससे गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं और सारे मसाले गोश्त में हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे चावल हम उबाल लेंगे। उसके लिए चावल भिगा दी थी मैंने, और ये पुदीना, हरी मिर्च और तेज़पत्ता, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच ये हमें चाहिए चावल उबालने के लिए। और ये वाइट विनेगर है 1 बड़ा चम्मच। सबसे पहले एक टोप में हम 4 लीटर पानी लेंगे और इसमें तेज़पत्ते, पुदीने के पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, तेल और 3 बड़े चम्मच नमक के डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है और चावल में मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी। मैं अखे मसाले नहीं डालती हूँ गरम, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, हमारे चावल में बहुत अच्छी खुशबू बस जाती है। अब इसे मिक्स कर लेंगे हल्का सा और इसे तेज आंच पे हमें पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। देखिए बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया। इसे हमें 5 मिनट पकाना है और 5 मिनट के बाद ये वाइट विनेगर डालूंगी। इससे चावल बहुत खिले हुए बनते हैं। आप लोग नींबू का रस भी डाल सकते हो और चावल डाल के इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, 70% इसे कुक करना है और 30% हमें मसालों के साथ पकाना है। चावल हमारे रेडी है, इसे हमें छान लेना है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये 5 घंटे इसको मैरिनेट करके हो गया है, बहुत ही अच्छी शक्ल इसकी हो गई है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे जिसमें हमें बिरयानी को तैयार करना है, और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इस पे ब्राउन प्याज डालेंगे, थोड़ा पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे और फिर इस पर चावल डालेंगे थोड़ा सा। हमें 3 स्टेप इसे करना है चावल के, इससे चावल बहुत अच्छे इस तरीके से बनते हैं। और फिर इस पर प्याज डालेंगे, ब्राउन प्याज, पुदीने की पत्तियाँ और दूध, जाफरान भीगा हुआ जो हमारा दूध था वो डालेंगे अच्छी तरह से। और 1 चम्मच हम घी डालेंगे उसमें। अब ये दूसरी लेयर हम करेंगे चावल की। चावल डाल के अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और वही स्टेप हमें फिर दोहराना है। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और प्याज, पुदीना और ये लेमन जूस जो हमने बचा के रखे थे मैं पूरा डाल दूंगी, और जाफरान वाले दूध और घी डाल के फिर से चावल के इस पे हम कवर करेंगे। और ये आखिरी है हमारा, प्याज डालेंगे, पुदीने के पत्ते, जाफरान वाला दूध जो बचा हुआ था पूरा डाल देंगे और घी डालेंगे। अब येलो कलर को थोड़ा सा पानी में मैं मिक्स करके एक कोने पे डाल दूंगी, और केवड़ा एसेंस और रोज एसेंस हम डाल देंगे। आप केवड़ा वाटर भी ले सकते हो। अब हमारी बिरयानी बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है। अब इसे हमें पकाना है, कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक पुराना तावा लेंगे और उसे गैस पे रख देंगे, इससे चावल हमारे जलते नहीं हैं। और इसे काफ़ी टाइम के लिए हमें पकाना है। अब उसे कवर करेंगे ऊपर से
एल्युमिनियम फॉल से मैंने इसे कवर कर दी हूँ अच्छी तरह से, ताकि हमारी स्टीम इसमें रहे और बाहर ना आए। इसे ढक के हमें पकाना है, कम से कम हमें 1 घंटे के करीब इसे पकाना है। और इसके ऊपर मैं 1 टोप में पानी भर के आधा रख दूँगी, ताकि इस पे वेट रहे और हमारी स्टीम अच्छी तरह से होए। लीजिए, तैयार है बहुत ही बेहतरीन हमारी हैदराबादी दम बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से तैयार होती है। सिर्फ देखिए कितना अच्छा इसका गोश्त गल चुका है। आप टेंशन ना लीजिए कि कच्चा गोश्त है कि गलेगा या ना गलेगा। बहुत ही अच्छी बिरयानी हमारी बनके तैयार है। बस कुछ बातों का आप ख्याल कीजिए। सबसे पहले तवा हमें जब रख के हमें 10 मिनट तेज आंच में इसे पकाना है, फिर 15 मिनट मीडियम आंच पे, फिर 20 मिनट इसे बारीक आंच पे हमें पकाना है, और बीच में बिल्कुल ढक्कन नहीं खोलेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों की बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और इसे ट्राई करिए, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।